हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर शुभम प्रिया श्रीवास्तव, आपकी होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आ गई हूं दोबारा इस चैनल पे एक न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों, रेनी सीजन में, रेनी डेज में, बरसात में भीगने के बाद लोगों को छोटी मोटी समस्या, एक्यूट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार या फिर बॉडी पे, स्किन पे किसी टाइप की अर्टिकेरिया या एलर्जी के सिम्टम्स जो कि गंदे पानी से हो जाते हैं, और उसके साथ अगर आपको वात के रोग हैं, आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस हैं, तो उन सभी के लिए मैं दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस बताऊंगी जो आप बारिश के मौसम में यूज़ करके आप अपने आप को इन एक्यूट कंडीशंस से पूरी तरह से सेफ और सिक्योर रख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बरसात के मौसम के लिए दो ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं एक्यूट कंडीशंस लाइक सर्दी, खांसी, बुखार और आर्थराइटिस या आर्टिकेरिया के रोगों के लिए। तो हमारी पहली मेडिसिन है, वो है डल का मारा। दोस्तों, डल का मारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आप डैम्प वेदर में हैं या डैम्प बेसमेंट में है, उसके बाद अगर आप बारिश में निकलें और थोड़ा सा भी भींग गए और इसके बाद आपको सर्दी, खांसी, बुखार हो गया या फिर बहुत जगह पे वाटर लॉक्ड रहता है और उसमें चलने से आर्टिकेरिया या स्किन एलर्जीज या स्किन रैशेस की प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा ये अच्छा काम करती है डैम्प बेसमेंट या डैम्प वेदर के। तो इसमें डल का मारा 30 CH पोटेंसी का आप यूज़ कर सकते हैं। 30 CH पोटेंसी की दो बूंदें सुबह, दोपहर और शाम को आप लगातार 4 से 5 दिनों तक यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपकी ये सारी एक्यूट कंडीशंस बहुत अच्छी तरह से जा चुकी हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है रसटॉक्स। रसटॉक्स 30 पोटेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बारिश के पानी में भीगने के कारण काफ़ी ज़्यादा बुखार, जुकाम, सर्दी, खांसी, हेडेक, फीवर ये सब हो गया हो, या फिर आपको जैसे ही बादल गिरते हैं आपको रूमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या बारिश के पानी में भीगने के बाद आपको वात या गठिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि फर्स्ट मोमेंट में एम्ल्यूरेशन चलने के बाद एग्रावेशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में आप रसटॉक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। रसटॉक्स 30 NC की दो दो बूंदें सुबह, दोपहर और शाम आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपने इन सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये दोनों मेडिसिंस का यूज़ आप ज़रूर करेंगे बरसात के मौसम में और अपने एक्सपीरियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।